हेलो फ्रेंड्स, हाय, मॉर्निंग, कैसे हैं? अच्छे होंगे आप सब? तो मुड़िए ब्लॉग से अपना चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी बज चुका है कितना बजे? 7:30 का टाइम है और अभी उठी हुई उठी हूँ, मतलब नहीं अभी नहीं उठी, ब्रश व्रश खा रही हूँ, चाय भी पी रही हूँ, फिर से लेट गई हूँ। आज थोड़ा सा देखने साथ लग रही थी, ये देखी मेरी मेहंदी, इसमें काफ़ी कम कलर दिखा था। तो आप लोग ये बताइए, आप लोग वीडियो क्यों नहीं देखते, कैसे वीडियो चाहिए आपको, ये कमेंट करके बताइए। कमेंट भी नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको कैसे वीडियो चाहिए, हम उसी तरीके से वीडियो लाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या काम करती हूँ, बनी रही है मेरे। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ छत में। आज जो मैं काम करती नहीं करती थी, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं करती, लेकिन मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि मैं कंडे कैसे पाथती हूँ। तो ये हमारा गोबर साना रखा है, तो इसको इस तरीके से लेंगे। तो मैं गोबर नीचे से सान के लाई थी, तो इस तरीके से हमने लिया है, फिर इसको इस तरीके से यहाँ रखेंगे और इसको ऐसे गोला गोला करके पाथेंगे कंडे। कंडे पाथने का एकदम आसान तरीके से, तो मैं कंडे इस तरीके से पाथ लूँ। हम लोग गाय भी रखे हुए हैं ना, तो गोबर करना भी तो ज़रूरी है। तो जैसे कई लोगों को पता नहीं होता कैसे, वैसे कंडे पाथना तो हर किसी को आता है, लेकिन मैं आपको और दिखा रही हूँ। भैया जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़वा दो, वॉच टाइम कंप्लीट करवा दो, कितनी मेहनत कर रहे हैं, गोबर तक कर रहे हैं। आप लोग इतना नहीं करोगे, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, हमारे गांव की देसी गर्ल का चैनल है, गांव की देसी छोरी है, तो हमारा चैनल कर लो। हम अच्छे अच्छे ब्लॉग वीडियो लाएंगे आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए, आज तक किसी ने दिखाया कंडा पाथने? मैंने दिखाया कैसे दिखाते हैं कंडा, कैसे पाथते हैं। और ये देखिए, हमारे बारी है, बारी बोलते हैं, रोड के किनारे ज़मीन है, उसमें हम लोग जेसीबी चलवा रहे हैं, क्योंकि मिट्टी डली हुई थी तो उसको फैलाना था। और कंडे आप इस तरीके से पा सकते, तो मेरे कंडा पथ गए हैं, ये देखिए खाली हो गया है। अब ये है, इसको भी तो चार कंडे का गोबर था, कुछ सुबह पथ गया था, और ये इस तरीके से, ये देखिए कंडे गीले हो गए हैं, तो मैं इनको ऐसे लाइन बाई लाइन लगा दूँगी ताकि ये सूख जाए। तो आप भी ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे जितने भी ये कंडे डले हैं, ये सभी लगा दूंगी मैं। तो चलिए मिलती थोड़ी देर बाद मैं आपसे, तब तक मैं ये कंडे लगा दूं, और जो ये गीले हैं, ये गीले हो गए हैं नहीं, वो हो रहे हैं, इनको मैं देखिए किस तरीके से हो गए हैं ये कंडे, ऐसे लगा देते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो आपको ये आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा, लेकिन मैं दिखा रही हूँ, और मेरे हाथ में गोबर लगा है। तो अब मैं इसको धुल लूँ, फिर मिलती हूँ। और इधर जैसी भी दिख रही है आपको, ये सामने ये चल रही है, उधर हमारी ज़मीन है, यानी हमारी बारी है, तो उधर जैसी भी चल रही है, और कंडे पक गए हैं, हाथ साबुन से धुल ली हूँ, काफ़ी साफ हो गए हैं। भैया गांव के हैं तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, शहर के थोड़ा हैं, गांव की लाइफ दिखा रहे हैं कि गांव की लाइफ ऐसी होती है। तो हमारे कंडे पक गए, और हमारे गांव का माहौल काफ़ी अच्छा है, सुहावना, इधर जैसी भी चल रही है, इधर कंडे पक गए हैं। अब हम हाथ धुल तो और अच्छे से एक बार धुल लेते हैं, और बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हैं? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे, आगे भी अच्छे रहिए। तो मेरे ब्लॉग से अपना चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आ गई हूँ पूछा बनाने, और अभी बजे है 7:30, तो मैं पूछा लगा लेती हूँ।
हमारे यहाँ इस टाइम लाइट नहीं आती है। ये देखो कैसे बने हुए हैं हम, नहाना भी हमने कहा आप बने हैं तो बने रहे, तो चलिए हम नहा लेते हैं फिर इसके बाद मिलते हैं आपसे। ये देखिए क्या मौसम है, केले टूट गए, केला का पेड़ टूट गया है। ये देखिए इधर देखिए, और मेरा घर कितना अच्छा दिखता है ऐसे में, उधर उधर से बीच से मैं आपको दिखाती हूँ। तूफान चल रहा है, ये देखिए दिखा आपको, और हमने चश्मा लगाया हुआ है क्योंकि आँख में बहुत ज़्यादा कचरा पड़ रहा है, तो इस वजह से लगाया। हम बैक कमरे से आपको दिखाते हैं, इधर देखिए तो ये देखिए अब ध्यान चल रहा है, यहाँ काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। आप लोगों को 2 महीने बाद ये सब देखने को मिल रहा होगा, तो ये चेंज हो गया है और ये काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा है। ये एकदम मतलब, ये देखिए हमारे कहाँ चल रही है हमारी ज़मीन, देखिए आपको जूम कर दिया, ये JCB तो हमारी इधर ज़मीन है तो इधर पास चल रही है JCB, काफ़ी अच्छा लग रहा है। उधर भी भविष्य में सोचते हैं उधर कुछ बनवाने का, मिलते हैं आपसे मैं थोड़ी देर बाद। Thank you.